बालोद जिले के ग्राम बालोदी स्थित शासकीय नवीन महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। गुंडरदेही विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर हुआ। तत्पश्चात अतिथियों के स्वागत में मनमोहक गीत प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में विधायक ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए आशीष प्रदान करते हुए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और हमेशा लक्ष्य पर ध्यान रखने की प्रेरणा उनमें रहनी चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा जीवन में बेहतर संभावनाओं को प्राप्त करने के अवसरों के लिए विभिन्न दरवाजे खोलती है, जिससे करियर के विकास को बढ़ावा मिलता है। छात्र छात्रों की छत्तीसगढ़ी लोक संगीत प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन भी मोहा। छात्र जीवन में बच्चों की बहुत सी गतिविधियों में शामिल होने का एक अवसर मिलता है, और खासकर जब वो महाविद्यालय पहुंच जाते हैं तो उसमें तरुणाई के बीज प्रस्तुत हुए रहता है और युवा हो जाते हैं, तो उनके मन में एक उत्साह का संचार होता है कला के लिए, खेल के लिए और अन्य गतिविधियों के लिए। और आज उसी का परिणाम है कि वार्षिक उत्सव स्नेह सम्मेलन के रूप में शासकीय महाविद्यालय बेलोदी में यहाँ के छात्रों के द्वारा, प्राध्यापकों के द्वारा बढ़िया संगीत में प्रस्तुति, बच्चों का सांस्कृतिक प्रस्तुति होना है। मैं उनको हमारी बहुत प्रतीक्षित मांगे थी, एक तो सांस्कृतिक श्रेणी का और एक रंगमंच का, वो सब ने अभी घोषणा की है, तो हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। और इसके साथ साथ ही हमारी जो बहुत बड़ी समस्याएं थी साइकिलिंग स्टैंड, इसमें 100% बच्चे बाहर से आते हैं, अब वो मांग पूरी हो जाएगी तो हमारे हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। संभवतः होता यह है कि वर्ष में सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ हम लोग साहित्यिक, सांस्कृतिक और गतिविधियों में बिजी रहते हैं। जैसे इस साल एनएसएस शुरुआत हुआ और इसकी कैंप जो है सेमिनार में लगा गया था, तो बच्चों को एक प्रतिभाएँ होती है, यही जो है निखरने का अवसर होता है।